अब मैं आपको दिखाती हूँ बाकी का टेरेस। देखिए ये बड़े बड़े से कंटेनर्स हैं जिनमें लिलीज लगी हुई हैं। अभी क्योंकि तेज़ धूप है और गर्मी बहुत है तो पौधों की हालत थोड़ी सी ख़राब है। ये देखिए लोटस खिल रहे हैं, ये देखिए वाटर लिली, ये दूसरा कलर है। और काफ़ी सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम इससे टेरेस पर वेट तो नहीं होता है, तो देखिए आपको प्लास्टिक के कंटेनर लेंगे, अगर आप सीमेंट के कंटेनर लेंगे ना तो वेट ऑलरेडी हो जाएगा, क्योंकि पानी का वजन होता है, मिट्टी का वजन होता है और पौधा भी जैसे जैसे बड़ा होने लगता है तो उसका वेट भी बढ़ता है। तो अगर आप प्लांट्स लगा रहे हैं तो एक तो बीम पर पौधों को रखिए और कोशिश करिए कि आप प्लास्टिक के कंटेनर्स उनको दें, जिससे कि पौधे बहुत अच्छे से भी चलें। हालांकि प्लास्टिक में एक ड्रॉबैक रहता है कि प्लास्टिक का पानी गर्म हो जाता है, लेकिन देखिए कोई टेरेस पर गार्डनिंग करते टाइम कोई ऑप्शन नहीं रहता है हमारे पास में। तो काफ़ी सारी लिलीज़ हैं जो कि दीदी ने लगा रखी हैं। और फर्टिलाइज़र देखिए अगेन इनमें कोई भी केमिकल नहीं है, वही ऑर्गेनिक जो अपनी खाद होती है गोबर की खाद। अभी मैं एक पौधा आपको लगा के दिखाऊंगी कि किस तरीके से इनके कंटेनर तैयार करने चाहिए, तो मैं हो सका तो दीदी के यहाँ से ये लिली लेकर आऊँगी और फिर आपके साथ शेयर करूँगी। अब मैं आपको दिखा देती हूँ टेरेस पर क्या क्या सब्जी उगी हुई है। देखिए ये मूली है, मूली देखिए कितनी बड़ी बड़ी भी हो गई है, तो यानी कि अगले महीने इनको तो मूली खाने को मिल जाएगी। पालक भी इनके टेरेस पर क्योंकि पहले ही बुवाई कर दी थी तो बहुत अच्छे से हो रहा है। और गन्ना, काफ़ी सारे लोग मुझसे हर बार पूछते हैं क्या टेरेस पर गन्ना हो सकता है। यस हो सकता है और बहुत अच्छा गन्ना हो सकता है, बिल्कुल ऑर्गेनिक गन्ना हो सकता है। और लगाया किस में है, देखिए वही ड्रम को काट कर उसी के अंदर लगाया हुआ है। और गन्ने की हाइट देख लीजिए, हेल्थ देख लीजिए। और ये देखिए छोटे से बॉक्स में ही है, छोटा सा ड्रम कह लीजिए या पीपे टाइप का जो होता है उसमें गन्ने हैं। और सारे जो पौधे हैं वो ज़्यादातर जैसे मैंने पहले भी शेयर किया हुआ है प्लास्टिक के पॉट्स में या प्लास्टिक के कंटेनर्स में ही हैं। और ड्रम हैं, कई लोग मुझसे पूछते हैं मैम इतने सारे ड्रम इनके पास कहाँ से आते हैं, तो देखिए ये तो दीदी की फैक्ट्री का टेरेस है, तो दीदी की फैक्ट्री में ही ड्रम होते हैं, उन्हीं को काट कर ये लोग यूज़ करते हैं। और देखिए अनार आ रखे हैं, देख पा रहे होंगे आप, तो ऐसा नहीं है टेरेस पर फल नहीं आते हैं, सारी चीज़ें ग्रो होती हैं, बस सही खाद और सही पानी देना होता है। ये देखिए टमाटर की सैपलिंग रेडी होनी, सैपलिंग नहीं मैं ये कहूँगी, फूल आने शुरू हो गए हैं, क्योंकि दीदी के यहाँ पर थोड़ा सा काम हेल्पर हैं तो वो मैनेज करते हैं साथ में, तो काफ़ी सारी चीज़ें पहले से ही स्टार्ट हो जाती हैं और मैं अकेले करती हूँ तो थोड़ा सा प्रॉब्लम हो जाता है, बट सब चीज़ें होने लगी हैं। इधर पूरा का पूरा रेंज जो है बोगनविलिया को दिया है, देख पा रहे होंगे आप सारे कलर के बोगनविलिया खिले हुए हैं। बीच वाला जो ये रो है गुलाब को है, हालांकि जो दीदी के यहाँ काम करते हैं उनको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, बट फिर भी उन्होंने बहुत अच्छे से मेंटेन किया हुआ है, गाइडेंस दीदी की रहती है और वो भैया हेल्प करते हैं। देखिए यहाँ तो धनिया भी हो रहा है, और आप सिटी पूछेंगे गुड़गांव की बता रही हूँ मैं। हल्दी देखिए, बैंगन रेगुलर मिल रहे हैं इनको खाने के लिए, पुदीना है, भिंडी लग रही है, और इधर मिर्च की बुवाई कर दी है। ये वाली जो क्यारियाँ हैं यहाँ पर अभी कुछ और लगाया जाएगा, और आप एक और चीज़ दिखाती हूँ आपको। और ये देखिए कितनी खूबसूरत अलावंडा की वैरायटी है। और ये देखिए करौंदा, किस किस का फेवरेट है कमेंट बॉक्स में लिखिएगा। अपन ले जाने वाले हैं, थोड़े से तोड़ के देखिए कितना बड़ा साइज़ है और कितना बढ़िया करौंदा है। ये देखिए ऑर्गेनिक फ्रेश करौंदा। बेलें जो थी घिया तोरी की वो देखिए सूख गई हैं, बट आप इनका फैलाव देखिए किस तरीके से फैला हुआ है। और ये करौंदे की दूसरी वैरायटी हैं दो, ये सरसों हैं आई थिंक, ये भिंडी है, और इधर ये चंपा की बेल्ट है। मधुमालती के बारे में काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं, मधुमालती देखिए वैसे तो कंटेनर्स में बहुत कम होती है, लेकिन छोटी इसकी श्रब जो वैरायटी आती है, ये श्रब वाली है छोटी ही झाड़ीनुमा, इस पर फ्लावरिंग रेगुलर होती रहती है, तो इस वाली वैरायटी को आप अपने पॉट्स में जगह दे सकते हैं, अच्छे से चल जाएगी। और ये देखिए लाल वाला चंपा, वाइट। और तो आपके पास अगर टेरेस है ना तो इस तरीके से ज़रूर लगाइए, सारी चीज़ें बहुत अच्छे से इजीली मैनेज हो जाती हैं, करके देखिएगा। और ये देखिए जरवेरा, ये थोड़ी सी शेड में रखा हुआ है, मतलब बहुत तेज़ धूप से नहीं मिलती है, और देखिए जरवेरा कितने अच्छे से ब्लूम कर रहा है।
एरिका पाम। तो थोड़ी सी मेहनत, थोड़ी सी केयर और सही पॉट्स, फ्लावरिंग भी होती है, फ्रूटिंग भी होती है। चीकू मैंने आपको पहले दिखाए, ये हैं उधर आम लगता है। यहाँ भी देखिए उसी तरीके से पॉट भरे जाते हैं, वही सारा का सारा ऑर्गेनिक गोबर की खाद, पत्तियों की खाद मिलाकर सारे कंटेनर रेडी किए जा रहे हैं। और ये देखिए बेल कहाँ से कहाँ भाग रही है, ये करेले की बेल है। अच्छे खासे करेले उतरते हैं, अभी हार्वेस्ट कर चुके हैं ये लोग तो अभी मुझे नहीं दिख रहे हैं। और ये देखिए अमरूद, एक फ्रूट दे चुका है ये और अब दोबारा से इस पर फ्लावरिंग स्टार्ट हो गई है। तो अगर अगेन आपके पास जगह है तो ज़रूर ज़रूर फूलों वाले, फलों वाले और सब्जियों वाले पौधे लगाइएगा। और ये देखिए टिकोमा, कितनी खूबसूरत वैरायटी है। इधर अरवी लगी हुई है, हल्दी है। अब यहाँ पर जो कंटेनर है इनमें गोभी की पौध लाकर लगा दी हैं। हल्दी लगी हुई है, हल्दी हार्वेस्ट हो जाएगी। आपको पता है नवंबर दिसंबर में हल्दी मैच्योर हो जाती है, उसको हार्वेस्ट कर लिया जाता है। इधर आई थिंक शायद ये घिया की बेल है जो कि चढ़ गई है ऊपर। और यहाँ पर गन्ना है, नींबू है, ये देखिए मधुमालती ही पॉट में बहुत अच्छे से खिल रहा है। बट ये छोटी वाली वेराइटीज़ हैं, बेल वाली वेराइटी नहीं है। और ये देखिए आज मुझे इसकी कटिंग मिली है इसके आई थिंक शायद पता नहीं बीज बनते हैं या नहीं बनते, बट मुझे इसकी कटिंग मिल गई है, बहुत ही खूबसूरत है। नाम नहीं पता, किसी को नाम पता हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और ये वही अंगूर की बेल है जो मैंने आपको दिखाई थी। अंगूर का एक फसल आ चुका है, अब दोबारा इसमें शुरू होगा तो दिखाऊंगी आगे। और ये कुछ परमानेंट क्यारियाँ हैं, बाकी ड्रम है। तीन चार परमानेंट क्यारियाँ बनाई हुई हैं जिनमें कि वाटर प्रूफिंग ज़रूर करनी होती है, नहीं तो टेरेस आपका ख़राब होने का खतरा रहता है। तो वाटर प्रूफिंग आप कर लेंगे तो प्रॉपर सही रहेगा। तो ये है पूरा व्यू पूरे टेरेस पर। बीम, ज़्यादातर जो पॉट्स रखे हुए हैं वो बीम के ऊपर रखे हुए हैं या पिलर्स के ऊपर रखे हुए हैं, जिससे कि पूरे टेरेस पर वेट ना जाए और पौधे अच्छे से सर्वाइव करते रहें। और ये है छोटा सा एरिया बैठने के लिए बनाया हुआ है, क्योंकि आपको मैंने दिखाया है पहले भी, यहाँ पार्टीज़ होती हैं तो दीदी के टेरेस पे ही होती हैं। और इस तरीके से ये बना हुआ है। अडेनियम का वीडियो देख लीजिएगा, मैं बनाऊंगी बीज कैसे बोते हैं। आज मैंने एक फली मुझे मिल गई है मैच्योर्ड, बाकी तो अभी कच्ची हैं सारी, दिखाई हैं मैंने वीडियो में, देखिए ये अभी बन रही हैं। और इनको बांध दिया है, बांधा क्यों है वो मैंने बता दिया है वीडियो में सारी। देखिए देसी वाले जो वैरायटीज़ होती हैं उन पर सब पे बन रही हैं, ग्राफ्टेड पे एक भी फली नहीं बनी है। ये ग्राफ्टेड है इसलिए आई थिंक, तो एक भी इसमें फली नहीं बनी है, तो इसकी मैं कटिंग लेकर जाऊंगी। तो अगर आपके पास भी टेरेस है ना, ज़रूर उसका उपयोग करिए। सब्जियां उगाइए, फल उगाइए, फूल उगाइए। और गन्ना नहीं उगाया तो उगा के देखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, चैनल पर बने रहिएगा इसी तरीके के वीडियोज़ के लिए।